झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के द्वारा आयोजित राज्यपाल से कुलाधिपति तथा मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के आज 8वें दिन राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों वंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों ने अपने मांगों रेगुलराइजेशन UGC रेगुलेशन के अनुसार न्यूनतम ग्रेड पे या क्रॉस सैलरी फिक्सेशन टर्मिनेट शिक्षकों का सेवा बहाल करने को लेकर ध्यानाकर्षण हेतु राजभवन के सामने बैठे हैं। आज सभी विश्वविद्यालयों में पठन पाठन बाधित हो चुकी है, कॉलेज वीरान पड़ा हुआ है, कक्षा रूमों में सन्नाटा और सड़कों पर शिक्षक उतरे हुए हैं। हम लोग सिर्फ अपनी चार मांग के लिए बैठे हैं, समान हमें नियमित किया जाए और सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, और जो शिक्षक जो है जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है उनको बहाल करें, और जो स्टैट्यू है परिनियम जिसको कहते हैं बनाया जाता है वो सरकार बनाए। कहे कि 1978 में 1982 में जब ये एक राज्य हुआ करता था उस समय हमारे तरह के प्रोफेसर को परमानेंट किया गया था, बस यही है। देखिए हम लोग को फिक्स सैलरी तो 2019 में वादा किया गया था कि उसी समय हुआ था, फिर लेकिन पूरा हुआ नहीं। उसके बाद अनशन हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे थे तो उस समय हेमंत सोरेन प्रतिपक्ष के नेता थे तो उस समय वो वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। वो उनकी सरकार का भी तीसरा साल होने जा रहा है तो अभी तक तो कहीं से कुछ खबर नहीं है, हम लोग को उम्मीद में बैठे हैं। हम लोग धरना में बैठे हैं, अनिश्चितकालीन करेंगे और जरूरत पड़ा तो स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व कर देंगे। अभी तो हम लोग का आज 8वां दिन है। हाँ, 8 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, मेरा नाम प्रतिभा किश्कू है और मैं SP कॉलेज दुमका से हूँ। तो यहाँ पर जो हम लोग धरने पे बैठे हैं आप देख ही रहे हैं, सब हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। उनका यही कहना है कि जहाँ गुरु रहेंगे वहीं शिष्य रहेंगे। गुरु और शिष्य का संबंध जो प्राचीन काल से चला आ रहा है आज भी ये मजबूत है, और हमारी यही मांग है सरकार से कि जिस तरह सरकार ने हमें अनुबंध कर्मियों को नियमित करने को कहा है हमें नियमित करें, क्योंकि हम जो हैं ये 7-11 महीना 6-6 महीने में जो टेंशन होता है ये हमारे लिए अहित में है, क्योंकि हमेशा हम इसी डर में रहते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो हमें निश्चितता दिया जाए, हमारे समय स्वतंत्रता दिया जाए ताकि हम भी एक स्वतंत्र वातावरण में रहकर जो उच्च शिक्षा के हिस्सा हैं उसको हम पूरा कर सकें, क्योंकि हम एक राष्ट्र निर्माता के श्रेणी में हैं। बस तो सरकार को यही संदेश है इस मंच से कि हमारी पुकार सुने, हमारी मांगों को ध्यान में रखे और हमें नियमित करे। सरकार से मेरी यही अपील है कि उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि कोई अनुबंध कर्मी हटाए नहीं जाएंगे, सबको परमानेंट किया जाएगा। तो अभी तक इतने साल हो गए सरकार को हुए, कोई इसको लेकर नियमावली नहीं बन रही है। हमारी सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी की थ्रेट है, सबको लग रहा है कि अब हम लोग का एक्सटेंशन नहीं होगा, तो सारे लोग बहुत डरे हुए हैं। तो सरकार अगर ऐसे में पहल कर देती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो हमारी आर्थिक सुरक्षा का पालन करे, तो हमारा जब आर्थिक सुरक्षा नहीं रहेगा तो हम बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएंगे, मेंटली हैरस होंगे, तो बहुत तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। और अब समय आ गया है कि सरकार को हमारी डिमांड सुन लेनी चाहिए, अदरवाइज हायर एजुकेशन झारखंड का तो ऐसे ही चौपट है, पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। हम लोग कॉलेज जा रहे हैं एक सप्ताह से, हमारे टीचर कॉलेज पे नहीं है, सारे यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या करें वहाँ, इसलिए हम लोग भी सर के सपोर्ट में आ गए यहीं पे। ठीक, सरकार से मतलब टीचरों को जैसे अभी जैसे वो काम कर रहे हैं परमानेंट टीचर की तरह ही, तो उन लोग को परमानेंट टीचर की तरह ही सैलरी मिले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।